पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, जिसने ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चल रही स्टडी में एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया, क्योंकि इन स्टडीज ने हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जो अल्फ्रेड वेगनर के टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ द रॉक। ओशन फ्लोर के मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफर्स को पता चला कि ओशन का फ्लोर कोई फ्लैट सर्फेस नहीं बल्कि फुल ऑफ रिलीफ है, और रॉक्स की पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज मीन्स ओशन में जो रॉक्स हैं जब उनके मैग्नेटिज्म को चेक किया गया तो इस स्टडी से बहुत सी ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई। जब इन सब की डिटेल स्टडी की गई तो उससे निकल कर आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इस थ्योरी के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ बात होगी सी फ्लोर के स्प्रेड होने की, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता कैसे चलता है। तो इसका आंसर है ओशन फ्लोर की मैपिंग और रॉक्स की पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज से। ये स्टडीज ओशन रीजन के बारे में बहुत से फैक्ट्स को रिवील करती है, जैसे कि नंबर वन, इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस इन दिस एरिया। लास्ट वीडियो में जब हमने ओशन फ्लोर के कॉन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता चला मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, जिनका फॉर्मेशन ओशन के अंदर वोल्केनो के इरप्ट होने से होता है। वोल्केनो के इरप्ट होने से लावा कंटिन्यूसली बाहर की तरफ फ्लो करता है, जिस वजह से ओशन के अंदर फॉर्मेशन होता है न्यू लैंड का। बाहर आ जाने पर ये लावा कुछ समय के बाद ठंडा होकर ओशन फ्लोर पर सॉलिडिफाई हो जाता है, जो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ज्योग्राफर्स के द्वारा इन रॉक्स की स्टडी की गई तो उन्हें पता चला द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। मींस इन मिड ओशनिक रिजेस के दोनों साइड के इक्वल डिस्टेंस पर जो रॉक्स मिले हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि इन रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पता चलता है कि इनका फॉर्मेशन एक ही टाइम पर हुआ है। रॉक्स जो मिड ओशनिक रिजेस के काफी क्लोज हैं, वो काफी यंग है, मीन्स जिनका फॉर्मेशन कुछ सालों पहले हुआ है, जबकि जैसे जैसे हम इन मिड ओशनिक रिजेस से दूर जाते हैं तो इन रॉक्स की एज भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये वो रॉक्स हैं जिनका फॉर्मेशन यंग रॉक से काफी पहले हो चुका है। देन ज्योग्राफर्स को ये भी पता चला द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। इस ओशन क्रस्ट पर पाए जाने वाली रॉक्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफी ज्यादा यंग है, जैसे कि ओशनिक क्रस्ट पर पाए जाने वाली रॉक्स की एज 200 मिलियन ईयर्स से ज्यादा नहीं है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाए जाने वाली कुछ रॉक्स 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल रॉक्स काफी ज्यादा पुरानी है, जबकि ओशनिक रॉक्स इनके रिलेटिवली काफी यंग है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन है द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। मीन्स ओशन फ्लोर पर पाए जाने वाले सेडिमेंट्स काफी ज्यादा थिन है। ओशन फ्लोर की स्टडी करते टाइम साइंटिस्ट को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ओशन फ्लोर कॉन्टिनेंट्स जितने पुराने हैं तो ओशन फ्लोर में लार्ज अमाउंट में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी समय पहले बन चुकी थी, जिस वजह से यहाँ सेडिमेंट का डिपोजिशन ज्यादा है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्लेन जिनका फॉर्मेशन एल्यूवियल सॉइल के डिपोजिशन से हुआ है। बट ओशनिक क्रस्ट पर वोल्केनिक इरप्शन होने से नई रॉक्स बनती रहती हैं, जिस वजह से ये यंग है, और ओशन फ्लोर का कोई भी सेडिमेंट 200 मिलियन ईयर्स यानी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा भी ज्योग्राफर्स की एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑक्यूरेंस व्हाइल इन द मिड ओशनिक रिजेस एरिया द क्विक फोकाई हैज शैलो डेप्थ। मीन्स ओशन के अंदर पाए जाने वाले डीप ट्रेंचेस जहां पर चट्टाने डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या कहा जा सकता है जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो रही है, वहां पर इंटेंस अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होते हैं, बट जहां पर मिड ओशनिक रिजेस हैं वहां अर्थक्वेक का फोकस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जिस वजह से अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ऑरिजिनेट नहीं होते हैं। जब मिड ओशनिक रिजेस के दोनों साइड्स के रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक किया गया तो इसी के बेसिस पर 1961 में हैरी हेस ने अपनी थ्योरी दी, और इसी के हाइपोथेसिस को कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हेस के अकॉर्डिंग वोल्केनो के कांस्टेंट इरप्शन से ओशनिक क्रस्ट में रप्चर होता है और न्यू लावा बाहर आता है, जो अलग अलग जगह पर ओशनिक क्रस्ट में रप्चर यानी क्रैक्स के अंदर जमा हो जाता है, जिससे ओशनिक क्रस्ट एक्सपेंड होती है, और ऐसा होने से ही सी फ्लोर स्प्रेड होता है। एक्सपेंड होने से जब ये ओशनिक क्रस्ट
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है। अब यहाँ पर ये भी जानना बेहद जरूरी है कि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम, और जब दो डिफरेंट डेंसिटी वाली प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो हैवी प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। मीन्स इस केस में ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट करेगी। अब क्रस्ट के नीचे लावा होने की वजह से ये ओशनिक क्रस्ट मैग्मा में कन्वर्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन ये मैग्मा अगेन बाहर की तरफ फोर्स लगाता है और वोल्केनो के इरप्ट होने पर बाहर आ जाता है, जिससे फॉर्मेशन होगा मिड ओशनिक रिजेस का और न्यू लैंड का। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, जो दिया गया हैरी हेस के द्वारा। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।